हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स क्लास 11, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेथड्स और रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेकेंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड वन इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए बच्चों, पहले हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से करते हैं इसको। ओके बच्चों, तो देखिए ज्योमेट्रिकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं आपको यहाँ पर जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस सपोज दैट एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है, डिनोटेड बाई जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, सिंबल है जेड इसका, और सी से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से या कैपिटल जेड से। ओके स्टूडेंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में डालेंगे आप हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों मैंने आपको बताया है इसमें देयर आर थ्री मेथड्स ए कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, सेकंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म होता है, वेक्टोरियल फॉर्म, एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये बहुत, इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टोरियल फॉर्म अभी ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल को मैं अभी आपको बेसिक बता दूंगा। अभी वेक्टोरियल फॉर्म जो है बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी के लिए आप पोलर फॉर्म का एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना होता है यहाँ से हमें, तो हम पोलर फॉर्म पर हम विशेष ध्यान दें। ओके, मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है, नेचर ऑफ द रूट्स, तो उसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने उसके रूट्स, इमेजिनरी रूट्स फाइंड करना मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग टाइप के मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करके मैं आपको बता दिए हैं, तो आप मेरे पहले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, फर्स्ट वन इज, सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट बता रहा हूँ ये वाला ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट वी ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देखो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी मैंने यहाँ पर लेट के लेट लेट अस कंसीडर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई बी ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये जो रियल पार्ट है, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको मैं रियल आर ई जेड ऐसे लिखूंगा, इक्वल टू यहां पर एक्स है, एंड इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको मैं लिखूंगा इमेजिनरी। देखिए जो रियल पार्ट है इसको हम ऑन एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो रियल पार्ट
रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जो आया, पॉइंट के फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा, पॉइंट पॉइंट बी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बी अगर मैं सपोज कर लिया, मैं पी पॉइंट लेट कर लूँ तो एक्स कॉमा वाई हो गया, और ये इसको मैं आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करूँगा, ये इस तरह से यहाँ पर है, ये जो होता है स्टूडेंट इसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहेंगे इसको, या इसको हम बोलेंगे आर्गेंट प्लेन। ये क्या होता है, ये होता है एक्स वाई प्लेन और आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं इसको, और इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, इस तरह से गॉसियन प्लेन भी कहेंगे इसको, ठीक है भाई बच्चों, आर्गेंट प्लेन, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो गया यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको एक्स वाई प्लेन कह, कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं इसको, हम कहेंगे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, यह है जी ए यू, मैं थोड़ा सा आप लिख दो इसको एन डबल एस आई ओ एन, गॉसियन प्लेन भी होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया, तो पॉजिटिव में दोनों यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही आएगा, तो ये आया बच्चों यहाँ पर, ये पॉइंट इतना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर है पॉइंट पी, ओके। तो जिस क्वाड्रेंट में भी लाइज करें, तो और ये जो होता है यहाँ पर, यहाँ से ओ से लेके पी तक, ये मॉड जेड होता है, इसको हम बोलेंगे मॉड जेड, या इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, कोई भी मैंने नाउ लेट कोई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, जेड इक्वल्स टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा लिया, तो पॉइंट जो बनेगा बच्चों, पॉइंट माइनस टू कॉमा थ्री, अब देखो कहाँ पर लाइज करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो माइनस टू यहाँ पर देखिए, वन माइनस टू थ्री, वन टू थ्री, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर लाइज करेगा, ये सपोज कर लिया मैंने ये पॉइंट लेट कर लिया माइनस टू कॉमा थ्री, तो जिस क्वाड्रेंट में लाइज करें आप वैसे आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे सपोज कर लिए कोई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस टू आयोटा, अब पॉइंट क्या बनेगा इसका, रियल पार्ट क्या है इसका माइनस थ्री, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका माइनस टू, तो पॉइंट जो आएगा, पॉइंट सपोज कर लीजिए मैंने इस पॉइंट को बी लेट कर लिया, तो माइनस थ्री यहाँ पर है, माइनस थ्री और माइनस टू वन टू, ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट बी माइनस थ्री माइनस टू। सिमिलरली और भी मैं पॉइंट्स ले सकता हूँ यहाँ पर, सपोज कर लीजिए मैंने कोई एक और पॉइंट है यहाँ पर जेड इक्वल्स टू टू प्लस थ्री आयोटा ले लिया, तो पॉइंट्स मान लीजिए सी आ गए यहाँ पर है, तो ये कितना आएगा टू कॉमा थ्री रियल पार्ट और इमेज, तो ये टू कॉमा थ्री समथिंग आएगा वन टू थ्री समथिंग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा सी पार्ट टू कॉमा थ्री। सिमिलरली एक और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जेड इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर थ्री माइनस टू आयोटा, तो पॉइंट डी लेट कर लिया मैंने, तो थ्री कॉमा माइनस टू आ गया, तो थ्री कॉमा माइनस टू थ्री कॉमा माइनस टू यहाँ पर आ गया, तो ये आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेंट पर लाइज कर रहा है इस तरह से, क्वाड्रेंट फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, जहाँ जहाँ भी कभी ऑन एक्स एक्सिस भी आ सकता है ऑन वाई एक्सिस भी आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया जेड इक्वल टू सिंपली आयोटा लिखा मैंने यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम इसको, आप देखेंगे जीरो प्लस आयोटा लिख सकते हो, तो पॉइंट जो आएगा पॉइंट जीरो कॉमा वन आएगा, अब देख पाएंगे जीरो कॉमा वन कहाँ लाइज करेगा, जीरो कॉमा वन यहाँ लाइज कर रहा है, ये मैंने कोई पॉइंट ई ले लिया तो जीरो कॉमा वन हो गया यहाँ पर। सिमिलरली और भी हम यहाँ पर कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बताया है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेक्टर नंबर टू पर आता है, ये तो हो गया आपका नंबर वन पर, तो ये हो गया नंबर टू पर आता है वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर सपोज कर लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहां पर लेट अस कंसीडर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट एक्स कॉमा वाई,
सपोज कर लिए मैंने पॉइंट पी लेट कर लिया, दिस द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है भाई पी एक्स कॉमा वाई, तो ये वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर ये ओपी वेक्टर ओपी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर ओपी होगा। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करूँ ओपी की, तो मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड करना होगा, मैग्नीट्यूड, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है अभी बच्चों? तो ये ओपी इसका लेंथ हो गया, और ये मेक, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, मेक दिस मेक एंगल ओपी मेक एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो वी हैव, ये क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा कहलाता है यहाँ पर, ये जो भी एंगल बनाता है एक्स के साथ में, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म होता है। इसका हम ज़्यादा यूज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, बस इतना ही समझिए। अब आता है इसके बाद बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, और वो है बच्चों पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पोलर फॉर्म है, तो मैं आपको नंबर थर्ड पर पोलर फॉर्म, देखिए पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस कंसीडर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयरफॉर एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई आएगा स्टूडेंट। तो अब यहां पर मैं इसको आर्गेंट प्लेन बना रहा हूं, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आर्गेंट प्लेन ये बना दिया मैंने यहां पर, और ये पॉइंट पी है, इट्स मेक एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, एक्यूट एंगल बना रहा है यहां पर ये। ओके बच्चों, तो इससे मैं यहां से डालू इसको परपेंडिकुलर, ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये सपोज कर लीजिए यहां पर क्यू पॉइंट है। क्लियर? और ये जो वैल्यू देखिए यहाँ से आता है, डिस्टेंस जो है आप देख पाएंगे, ये जो डिस्टेंस है एक्स है, और ये डिस्टेंस कितनी है वाई है, ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है यहाँ पर, और ये वैल्यू इसको हम डिनोट करते हैं आर से। आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है, यानी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मॉड जेड इक्वल्स टू आर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इतना होता है भाई। और थीटा यहाँ पर क्या है, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ, मैं शॉर्ट में इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा, तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, ये आ गया भाई यहाँ पर। इन ट्रायंगल, और ये इस पर परपेंडिकुलर पी क्यू, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्चुअली पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं इसको, पोलर फॉर्म को। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, नाउ वी फाइंड साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, पी क्यू अपॉन ओ पी, पी क्यू अपॉन ओ पी, एंड नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू वाई है अपॉन आर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, वाई इक्वल्स टू आएगा आर साइन थीटा, एंड इसी में सिमिलरली कॉस थीटा फाइंड करूं मैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू बाई ओ पी, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू कितना है एक्स है, एक्स बाई आर, विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, दिस द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस द सेकेंड वन। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। तो चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब इसके आगे यहाँ पर देखेंगे आप। ओके बच्चों, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, we get
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिस द वन, देयर फॉर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर के लिए इतना आ गया, इसी को हम मॉड जेड कहते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले बता रखा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप इसको। एंड मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करूँ, देन वाई ये आएगा यहाँ पर आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, एंड थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसे आप जो है इसको ऐसे जब इधर जाता है यहाँ पर ये, तो टेन इनवर्स बोलते हैं इसको, टेन की पावर माइनस वन नहीं बोलेंगे इसको, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इनवर्स को आप डिटेल में ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो थीटा, ये थीटा यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा इन पोलर फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जब इस फॉर्म में लिखा होता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये किस फॉर्म में होता है, ये जो फॉर्म है यहाँ पर इसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जिस फॉर्म में गिवन होता है। अब मुझे नाउ वी राइट इन पोलर फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन पोलर फॉर्म बी जेड इक्वल्स टू, देखिए एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से देखें आर कॉस थीटा है, प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है, विच इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू टेक कॉमन आर, सो वी हैव कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म आता है यही होता है पोलर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाना, यानी साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आर की टर्म में लिखा जाना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी को मैंने लिखा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं इसी को हम, तो ये दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। और वेयर आर इक्वल्स टू इतना हो गया एंड थीटा इक्वल्स टू इतना हो गया, ये ध्यान रहे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैंने जो टाइप्स बताए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको पोलर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व कराना बताऊंगा, ये सॉल्व हम कैसे करते हैं। चलिए जी मैं इसको मिटाता हूँ, इसको आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब इन्हीं का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और इससे पहले ये सब जो मैंने आपको बताया, ये तो अगर मान लीजिए ये जो x और y हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तब तो आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर ये जो पॉइंट P है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कहीं पर भी लाइज करता है तब आप आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब आप इसको, मैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिखवा रहा हूँ आपको, उन पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखें। ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पर लाइज कर रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ए पोलर फॉर्म, आप डाल सकते हैं हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए पोलर फॉर्म। सो फर्स्ट वन इज नंबर वन, देखिए बच्चों नंबर वन पे तो मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया ऑलरेडी, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी वैन जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब ये हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो है वाई ग्रेटर देन जीरो है। सो कंपेयर करके मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉइंट बन गया, पॉइंट जो पी होगा एक्स कॉमा वाई लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट इन द
आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहेंगे, देन मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर रूट, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा ही होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा है। देखिए मैं यहां पर इसको ग्राफ बना ये बना के दिखा रहा हूं आपको, ये है पॉइंट यहां पर लाइज कर रहा है, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट में है बच्चों, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यही होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू एल्फा, एल्फा एक्यूटेंगल, ये एल्फा होता है यहाँ पर, ठीक है। एल्फा और औरों के लिए एल्फा कैसे निकालेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा जब बताऊंगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा, वेयर एल्फा इज एन एक्यूटेंगल, वेयर एल्फा इज एन एक्यूट एंगल, एल्फा जो है एक्यूट एंगल है, तो इस वाले केस में हम सेम वही फाइंड कर सकते हैं। और जो पोलर फॉर्म मैन तो बात होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करना, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इतना होता है थीटा ही रहेगा यहाँ पर, तो पोलर फॉर्म जो आएगा वो कितना हो जाएगा आर कॉस जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उतना ही रहना है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है। सेकेंडली नंबर टू पर अगर मैं बात करूँ, नंबर टू पर अगर सपोज कर लीजिए जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स लेस देन जीरो है वाई ग्रेटर देन जीरो है, जब ऐसा केस हो जाए तो पॉइंट जो आएगा पॉइंट पी जो बनेगा माइनस एक्स कॉमा वाई लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट सेकंड में लाइज करेगा बच्चों, और सेकंड में लाइज करेगा तो देखो इस तरह से बनेगा यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर कहीं ऐसे लाइज करेगा ये पॉइंट समथिंग जहां भी कहीं होगा माइनस एक्स कॉमा वाई। और बच्चों ये जो एंगल है ये अल्फा होगा, इसे हम एक्यूट एंगल जैसे कह रहे हैं अभी, और ये जो बन रहा है यहाँ पर ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको हम क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा ही क्वेश्चन जो आएगा इसे बोलेंगे पाई माइनस अल्फा, ये बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। और मॉड आर तो वही रहना है आर इक्वल्स टू हर एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर रहेगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इतना आएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा। और अल्फा कैसे निकलेगा ये हमें देखना है कि एक्स एक्सिस से एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, जो भी वहां पर हमें क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। नंबर थर्ड पर आते हैं हम, नंबर थर्ड में है बच्चों अगर जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आईटा वाई हो, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स भी लेस देन जीरो है वाई भी लेस देन जीरो है, देन पॉइंट जो आएगा पॉइंट पी माइनस एक्स माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर आएगी ये पॉइंट आएगा पी माइनस एक्स माइनस वाई, और जो एंगल जो बनेगा यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर ये वाला एंगल तो है अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है बच्चों ये अल्फा है ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ये वाला एंगल देखिए ये एंगल क्या है इसे हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये बनेगा यहाँ पर क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू जो आएगा माइनस पाई माइनस अल्फा आएगा, ये इतना होगा यहाँ पर ये, ठीक है भाई बच्चों, और आर इतना ही रहना है सॉरी तो बच्चों यहाँ पर आर की वैल्यू सब में वही रहनी है आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट नंबर फोर नंबर पर हम आते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसमें क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो है बट वाई लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, तो पॉइंट जो आएगा पॉइंट पी एक्स कॉमा माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ,
तो ये मैं अभी आपको रूल बता रहा हूँ, ये अगर आप ये याद रखेंगे रूल तो आगे कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो भाई बच्चों इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ लाइज कर रहा है, पी लाइज इन दस, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्व टू थीटा इक्व टू माइनस एल्फा होगा, यहाँ पर जो होगा बिलो द एक्स एक्स आ रहा है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, एल्फा एक्यूट एंगल हर एक में, और आर की जो वैल्यू है वही रहनी है यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई बच्चों। तो ये तो मैंने आपको फोर क्वाड्रेंट्स में जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, फोर क्वाड्रेंट्स में हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट अभी मैं आपको इसके अलावा भी अगर ऐसा हो जाए कि भाई जो पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस आ जाए, ऑन द वाई एक्सिस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइव, अगर सपोज कर लीजिए, देखिए जेड इक्व टू, जेड इक्व टू यहाँ पर केवल आयोटा वाई आ जाए लिखा हुआ, आयोटा इस फॉर्म में आ जाए, तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर क्या होगा, दिस जीरो प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में है, तो पॉइंट जो आएगा बच्चों, पॉइंट पी जो आएगा जीरो कॉमा वाई, अब जीरो कॉमा वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस, लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्स पर लाइज करेगा, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से होगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा जीरो कॉमा वाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये वाला होगा भाई बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल्स टू, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, पाई बाई टू होगा भाई ये, इसको हम बोलेंगे पाई बाई टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्व टू पाई बाई टू कहेंगे इसको जो, ठीक है। अब ये सपोज ये तो यहाँ पर आया, अगर सपोज कर लीजिए ऑन एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर, चलिए मैं इसको यहाँ पर रब करता हूँ इसको, उसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई नेक्स्ट नंबर सिक्स पॉइंट, जेड इक्व टू, जेड इक्व टू माइनस आयोटा वाई हो जाए तब क्या होगा बच्चों, जेड इक्व टू माइनस आयोटा वाई, तो इसके लिए यहां पर पॉइंट जो इसको ऐसे लिखेंगे जीरो माइनस आयोटा वाई पॉइंट पी, पॉइंट पी जीरो कॉमा माइनस वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाइज करेगा, और ये होगा इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन हो गया, ये ऐसे होगा यहाँ पर, पॉइंट तो यहाँ लाइज कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर है पी जीरो माइनस वाई, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो ये वाला होगा बच्चों, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा यहाँ पर देखो 19, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, और इक्वल्स टू आ जाएगा ये थ्री पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू आएगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू होगा, ठीक है ना, ये ऐसे वाले केस में। और आर अच्छा देखिए यहाँ पर आर जो आएगा, मॉडुलस ऑफ आर जो आएगा वो अंडर रूट में वही यहाँ जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स वाई आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, जो भी वाई की वैल्यू होगी, और इस वाले में जो आर आएगा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अंडर रूट में जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, इस तरह से आप इसको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। एक और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर सेवन, जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स लिखा हो केवल, दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स प्लस जीरो आयोटा, सो वी हैव पॉइंट बी, पॉइंट पी माइनस एक्स कॉमा जीरो लाइज ऑन एक्स एक्सिस विद द नेगेटिव डायरेक्शन, तो बच्चों ये कैसे बनेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ कहीं है, पॉइंट पी माइनस एक्स कॉमा जीरो यहाँ पर कहीं है, चलिए मैं इसको यहाँ पर माइनस एक्स कॉमा जीरो यहाँ पर है कहीं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो बनेगा वो ये वाला होगा भाई,
और ये कितना होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा यहाँ पर। और आर की जो वैल्यू यहाँ पर है मॉडुलस आर इक्वल टू जो आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस जीरो स्क्वायर यानी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। और अब क्या होगा जब एक राउंड पूरा हो जाता है, जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तब वो यहाँ पर बनेगा। एक राउंड पूरा होने पर नेक्स्ट नंबर मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट नंबर ये कैसे सॉल्व करना है हमें, देखिए ये लास्ट पॉइंट है ये कैसे बनेगा देखिए। सेवन के बाद एट, जेड इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स रहे यहाँ पर तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस जीरो आयोटा। तो ऐसे केस में ये पॉइंट जो रहेगा अगर एक राउंड आके यहाँ पर आ रहा है पूरा, ठीक है ना, तब भी यही रहना है ऑन एक्स ए पॉइंट पी, तो यहाँ पर क्या होगा डिग्री जीरो डिग्री होगा या फिर टू पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू टू पाई और जीरो ये होंगे यहाँ पर, ठीक है। और आर की वैल्यू वही अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने आपको बता दी हैं इन एट पॉइंट, देयर आर एट पॉइंट्स टू सॉल्विंग पोलर फॉर्म, ओके। तो अब मैंने ये मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं, मैं आपको अपने अगले वीडियो में बच्चों इसके पोलर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये सब बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो आप जो है बच्चों और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मेरे पहले वीडियोस ज़रूर देखें और अपने मित्रों को भी मेरे वीडियोस दिखाएं। ओके बाय बच्चों।